हमीरपुर कोर्ट ने नाबालिग मंद बुद्धि लड़की के साथ बार बार बलात्कार करने के बाद गर्भवती मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी व्यक्ति को 10 साल की कठोर सजा के साथ 10,000 रूपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 साल की अतिरिक्त कठोर सजा दी जाएगी। जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि पदम सिंह ठाकुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने दोषी राजकुमार उर्फ राजू पुत्र मोहन लाल निवासी गुरर पालमपुर जिला कांगड़ा को सजा सुनाई है। भाटिया ने बताया कि सुजानपुर की रहने वाली नाबालिग मंद बुद्धि लड़की के पिता ने 21 मार्च 2017 को थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। 14 साल की लड़की घर पर रहती थी और उसके घर के पास क्वार्टर में रहने वाले पालमपुर के राजकुमार ने बार बार बलात्कार किया और इस बात का पता उस समय चला जब लड़की के पेट में दर्द होने लगा और चेकअप करवाया तो डॉक्टरों ने लड़की को गर्भवती बताया। पूछने पर मंदबुद्धि लड़की ने अपनी आपबीती सुनाई। मंदबुद्धि लड़की ने बच्चे को जन्म दिया जिस पर उसका डीएनए टेस्ट करवाया गया जिसमें भी दोषी व्यक्ति ही बच्चे का बाप पाया गया। मुकदमे की तफ्तीश एएसआई जयचंद ने की और सरकार की ओर से इसमें 24 गवाह पेश किए गए। माननीय विशेष न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पदम सिंह ठाकुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दोषी राजकुमार एलियस राजू सन ऑफ सोहन लाल आरोप कुगर तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा को सेक्शन 4 पॉक्सो एक्ट के अधीन दोषी करार देते हुए 10 साल का कठोर कारावास की सजा व 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना ना देने की सूरत में उसे 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला कुछ इस प्रकार था कि 21/3/2017 को सुजानपुर क्षेत्र के निवासी जिसकी बेटी 14 वर्ष की थी और मंदबुद्धि थी, घर पे ही रहती थी, के पिता ने आकर थाना सुजानपुर में एक शिकायत दर्ज कराई कि जो उसकी बेटी 14 साल की है और मंदबुद्धि है, घर पर ही रहती है, जब वह और उसकी पत्नी मजदूरी करने चले गए तो दोषी ने उसके साथ उसकी बेटी के साथ बार बार बलात्कार किया जिसकी वजह से बेटी 4-5 माह की गर्भवती हो गई और जब बेटी को पूछा तो बेटी ने पेट दर्द बताई और उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो प्राइवेट डॉक्टर ने उसे चेक करके बताया कि इसके पेट में बच्चा है। जब बेटी से पूछा गया तो बेटी ने बताया कि जब दोषी ने उसके साथ अपने कमरे में कई बार बलात्कार किया है। इन हालातों में जब ऐसा पता चला तो पुलिस को मामला बताया गया। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात करी। दोषी मौका से भाग गया था। दोषी को पंजाब से कहीं गिरफ्तार करके लाए थे। उसके बाद दोषी का और बेटी का मेडिकल कराया, उस बच्ची का मेडिकल करवाया। मेडिकल के बाद जब बेटी उस गर्भवती बच्ची के बच्चा हुआ तो उसका भी ब्लड सैंपल लिया दौराने तफ्तीश और दोनों को डीएनए के लिए भेजा तो डीएनए में भी इस बात की पुष्टि हुई कि दोषी ही उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है। तो तफ्तीश मुकम्मल होने पर जे मामला विशेष न्यायाधीश महोदय की अदालत में पेश किया गया था तथा विशेष न्यायाधीश महोदय की अदालत में यह मामला आज समाप्त हुआ तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा कठोर कारावास और 10,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई।